एक बार मेहनत कर कर देखिए, लगन लगा कर देखिए। गर्भ में थी, विश्वास करिए, क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक रूप है, और साथ में महादेव पर तुम्हारा भरोसा, एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा हुआ, निरंतर बाबा से मांग कर औषधि के रूप में विनय कर। जब आप उससे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर कि यहाँ शास्त्र कह रहा है, यहाँ यौवनाश्व की कथा कर रही है। राजा यौवनाश्व शंकर जी पर इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, शिव जी पर इतनी दृढ़ता थी उनकी, पर एक कमी थी यौवनाश्व की। हाँ, उसकी आंख में एक बार आंसू आ गए, आंसू आए उसकी पत्नी ने पूछ लिया, रानी ने पूछ लिया यौवनाश्व से कि तुम्हारी आंख में का अगर रोता है ना, ना जाने कितनों को भुला गया रहना। जीवन में जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहना सीखो, दुनिया में जितने आनंद में रह सकते हो उतने आनंद में रहना सीखो। को कोई छुड़ा ना दे, आपकी प्रसन्नता को कोई छुड़ा ना दे। तो फिर निवेदन करूंगा, पहले की कथा में कहा छेद कर दे, बेटे की खुशी चाहिए तो एक झपकी ले, मतलब अरे बोलो तो जी, पहले बोल चुके हम आज के दिन, एक घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी ले लो, भी चाहिए तो गाड़ी लेकर कहीं पिकनिक करने, कहीं घूमने, कहीं हिल स्टेशन चले। कितने दिन की खुशी जम जम के बोलते जा रहा, एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना है, कहीं घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी करो, फिर से बोलो, एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, घूमने चले जा। और एक महीने की खुशी चाहिए तो आज शादी करो। एक वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबा कमा लो। अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो जिस अवस्था में रह रहे हो उस अवस्था में मुस्कुराना सीखना। जिस अवस्था में रह रहे हो, झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, और महल में रह रहे हो तो महल में खुश रहो। जैसा समय मिल जाए, जैसी घड़ी, जैसा पल मिल जाए, वैसे खुश। खुशी अगर सीखना है तो नर्मदा जी के तट पर रहने वाले एक झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति से सीखो कि नर्मदा जी जब उछाल पर आती है, घरों में पानी भरा जाता है, तो भी उसके चेहरे की स्माइल कम नहीं होती, और माँ जब चली जाती है अपनी खेती में फिर लग जाता है स्माइल खत्म। पहाड़ पर रहने वालों से सीखो, उत्तराखंड में रहने वालों से, हिमाचल में रहने वालों से सीखिए कि उत्तराखंड में बर्फ गिरती है, पानी गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, उसके बाद भी वहां पर रहने, उत्तराखंड में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले एक एक भाई से, एक एक बहन से मिलकर देखना उसके चेहरे की प्रसन्नता कितनी होती है, स्माइल में कितनी प्रसन्नता में बात। क्यों? क्योंकि मालूम है ये पत्र चलता रहेगा, ये सब कुछ तो होता रहेगा, पानी भी गिरेगा, पहाड़ भी गिरेगा, पड़ेगा। एक दिन की खुशी चाहिए तो घूमने चले जा, एक महीने की खुशी चाहिए
शादी का है। का दूसरा महीना पत्नी बोलती, पति सुनता। शादी के बाकी के महीने पति को।